रिलीज है ये फिल्म, और ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, और इसमें मनोज पवार जी और दर्शन जरीवाला जी सीनियर एक्टर्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक्चुअली दे आर द पिलर्स ऑफ आवर फिल्म, एंड उनके साथ दो नए आर्टिस्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, मोहित मदान एंड ज्योति शर्मा, जो इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। तो क्योंकि जब एक हम लव स्टोरी बनाते हैं, ये ज़रूरी है कि फ्रेश फेसेस हो, क्योंकि अगर आपने अगर किसी हीरो को ऑलरेडी 10 फिल्मों में देखा है तो एक ओपिनियन आपने फॉर्म किया है कि ये डांस अच्छा करता है या ये एक्शन अच्छा करता है, पहले आप सोच चुके हैं कि ये क्या ठीक करता है क्या ठीक नहीं करता है, बट जब हम एक नए कपल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर इज अ फ्रेशनेस इन देम, तो लोग भी उसको उस कैरेक्टर के हिसाब से जाते हैं। जैसे हमारे कैरेक्टर का हीरो के कैरेक्टर का नाम है सिद्धार्थ साठे, तो आज से आप जब भी मोहित मदान को देखेंगे तो आपको सिद्धार्थ साठे ही याद आएगा, और जब भी आप ज्योति शर्मा को देखेंगे तो आपको शर्मा शर्मा ही याद आएगी। तो मैं ये चाहता था कि लोग सिद्धार्थ साठे और शर्मा शर्मा को कभी ना भूलें। इस कहानी का आइडिया कैसे आया, कैसे लिखी? कहानी तो लिखी है माधुरी वैद्य ने, जो अभी आमस्टरडैम में रहती है आजकल, लेकिन मैंने उसको इस तरह से आगे बढ़ाया, स्क्रीन पे मैंने और लेखा त्रिलोकिया ने लिखे हैं, डायलॉग्स लिखे हैं रवि कुमार ने, तो हमने इसको इस तरह से डेवलप किया। कंटेंटेबल होती है लेकिन बहुत बोरिंग होती है, और कभी कभी एंटरटेनमेंट के चक्कर में कंटेंट कहीं पे छूट जाता है। तो यहाँ क्या कहना चाहेंगे लव एक्शन के बारे में, किस तरीके का रोल है आपका लव एक्शन का? हम ये कह रहे हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है और बड़ी आर्टिस्ट से बनाई फिल्म है, बड़ी स्वीट एक फिल्म है, जो कि फैमिली एंटरटेनिंग है, तो मुझे करते ही मज़ा आया और मुझे लगता है कि लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। राज सर के साथ काम करके मुझे ये एक चीज़ का एहसास हुआ, प्लानिंग और होमवर्क कितना ज़रूरी है। इन्होंने फिल्म जिस तरह से बनाई है, गिवन टाइम में उसको कंप्लीट करके रिलीज किया है, उससे पता चलता है कि इनकी काबिलियत, कि इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी। लव एक्शन में लोगों को मज़ा आया एक कैरेक्टर देख के, जबकि उनको उसमें कॉमेडी भी आई है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आई है। इसमें अलग सिचुएशन थी जिसके अंदर हम उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे, जो कि कभी कभी लोगों को फनी भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और थोड़ा सा उनको ये भी समझ में आया कि जो बात है वो अपनी जगह सही है। आने वाली देखिए, मैं तो एक्टर हूँ, मेरे पास जैसे रोल आएंगे मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूँगा, और वांटेड जैसा रोल अगर आता है तो मैं जरूर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आदमी को एक्टिंग में नहीं बल्कि जिंदगी में भी अपनी स्क्रिप्ट ही ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या बोलना है और उसका क्या क्यों है। अगर वो दूसरे को की स्क्रिप्ट पढ़ता रहे तो अपना क्यों कहीं मिस कर देगा। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे लाइफ में भी है। ये आपने फिल्म बनाई है, देखिए बेसिकली मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि फिल्में ऐसे बननी चाहिए जो सही बजट में हो और उसकी रिलीज सही होनी चाहिए, तो और उसके रिटर्न्स शुड भी, मतलब जहाँ तक हो सके डायरेक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करे जिसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अब सच वाले घटनाओं पर फिल्म बनाओ या बायोपिक बनाओ, ये मतलब अपनी डायरेक्टर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में प्रोड्यूसर के पैसे डुबाते, उस तरह के मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना चाहता। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता हूँ जो कंटेंट ड्रिवन भी हो और एंटरटेनिंग भी हो। सर, जहाँ तक बात है सर, मराठी वर्सेस पंजाबी का क्या चक्कर है? अब मराठी वर्सेस पंजाबी नहीं है, मराठी विद पंजाबी है ये। सर, एक फिल्म आई थी
से अलग ही है। देखिए जब बॉय और गर्ल एक अलग कल्चर के हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, जैसे टू स्टेट्स ने बहुत सारे शायद 10 फिल्में ऐसे हो या 100 फिल्में हो जिसमें लड़का या लड़की अलग कल्चर के हैं या अलग रिलीजन के हैं, बट पॉइंट ये है कि आप उसको ट्रीट कैसे करते हो और उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो और एक नयापन कैसे लाते हो उस स्क्रिप्ट में, ये खासियत होती है एक अच्छे और एक बुरे फिल्म के बीच में, ये फर्क है। जी देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि स्क्रिप्ट जहाँ तक है वो स्क्रिप्ट अगर अच्छी है तो कोई भी एक्टर उसमें ज़्यादा उसको चेंजेस करने की कोशिश नहीं करता है, और हमारे स्क्रिप्ट अच्छी थी और जहाँ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत थी हमारे पास बहुत अच्छे एक्टर्स थे इस फिल्म में। मनोज जी थे, दर्शन जरीवाला जी हैं, शमा जी हैं, शमा देशपांडे जी, और नीलू कोहली जी है, राजू खेर जी है, तो इनको मतलब ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की कि इसको ऐसा बोला जाए या वैसा बोला जाए, वो कैरेक्टर को समझते हैं। एक अच्छा एक्टर हमेशा कैरेक्टर को समझता है, वो ये नहीं कोशिश करता है कि मैं डायलॉग के हिसाब से बोलूँ या इम्प्रोवाइज करूँ, और अगर जहाँ तक कैरेक्टर सही है वो सीन सही है और फिल्म सही है। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी चलते चलते बॉक्स ऑफिस की तरफ जाए और टिकट खरीद के ये फिल्म ज़रूर देखे। थैंक यू सो मच। यही से सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि इस दिवाली की हमारी फिल्म आप आगे देखें, और ये कह सकता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आप मजे से अच्छा से एंटरटेन होते जाएंगे। ये फेस्टिवल सीजन है, दशहरा अभी अभी ख़त्म हुई है और हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए खुशी का माहौल होना चाहिए, और ये फिल्म खुशी के बारे में ही बात करता है, कैसे अलग अलग कल्चर्स में हर कल्चर में एक ब्यूटी है और हर किस्म के लोगों में एक वैरायटी है, और वो दिवाली भी उसी के बारे में है कि आप डार्कनेस को दूर कीजिए और लाइट को वेलकम कीजिए। तो उसी तरह मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा हैप्पी दिवाली, हैव फन, बी सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।